लोग जहां नहीं रहते हैं उनका नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची को निरस्त कर नई मतदाता सूची के गठन की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मतदान सूची में यह गड़बड़ी कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि इंदौर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है और न ही कभी अपना बहुमत साबित कर पाई। इसलिए प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान इसका फायदा उठाकर मतदान सूची में भारी गड़बड़ी की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी तरह मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया है और पोलिंग केंद्रों को भी छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसको लेकर नगर अध्यक्ष के माध्यम से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भी शिकायत गई है और ये मांग की गई है कि मतदाता सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पिछले लोकसभा चुनाव की सूची के आधार पर नई मतदाता सूची का गठन किया जाए। वहाँ पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और वो सब और हमारे पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेंगे और ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस जीती नहीं आज तक और ना उसका बहुमत आया है, तो किस तरीके से तोड़ मोड़ के भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को छिन्न भिन्न कर दें और जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ हैं, मजबूत बूथ हैं, वहाँ पे दूसरे उनके जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं और उनको जोड़ दिया और एक एक व्यक्ति का नाम दस दस जगह जोड़ दिया, महिलाओं का पुरुषों का नाम दस दस जगह जोड़ दिया। अगर कोई एक मतदाता तो उसका एक जगह नाम होगा, उसकी पत्नी है तो एक जगह नाम होगा, तो पति का नाम 20 जगह और पत्नी का नाम 10 जगह, तो इस तरह त्रुटि की है, उसकी हमने शिकायत की है।